हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। अभी जो न्यू विज़िट कर रहे हो हमारी चैनल पे, सबसे पहले तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लो एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, आप नेक्स्ट वीडियो को मिस ना कर पाओ। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग न्यू वीडियो को मिस कर देते हैं, फिर मुझे वही टेक्स्ट करके एक ही रेसिपी क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि क्या नया है दीदी बताओ। तो मैं मैसेजेस के रिप्लाई तो नहीं करने वाली हूँ, सो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें एंड इंस्टाग्राम को आप लोग फॉलो कर लो मुझे पर्सनली जानने के लिए, एंड उसकी क्या बेनिफिट है वो मैंने बता दी। अभी मैं फिर से बता देती हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम पे भी टाइमलाइन चलती है, जहाँ पे आप लोगों को वहाँ भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, लाइक्स कमेंट्स प्लस फॉलोअर्स मिलते हैं। तो आपको इंस्टाग्राम इसीलिए फॉलो करना है ताकि आप अपने पिक्स पे टैग लगा सकें और अपने लाइक्स को इनक्रीज़ कर सकें, और जिनका नाम इंस्टाग्राम पे बेस्ट में आएगा उन्हें मैं फॉलो करूँगी और उनके वहाँ से फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे। खैर, इंस्टाग्राम के लिए मैं न्यू वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूँगी, उसकी आप फिक्र ना करें। फ़िलहाल जो मैं अभी वीडियो लेके आ रही हूँ आपके लिए, वो तो न्यू रूल्स के लिए है कि FB पे मैंने रूल्स जो अपडेट किया है अभी, उस रूल्स के बारे में मैं आपको अभी बताऊँगी। तो फ़िलहाल तो ये है कि मैं जैसे कि आप लोगों को बताई थी कि एडिटिंग के थ्रू से एडिंग कर रही हूँ, तो अब वो क्लोज हो चुकी है गाइज, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, एडिंग थ्रू एडिटिंग अब क्लोज हो चुकी है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी मेंबर बाहर का हो या हमारा ऑफिशियल मेंबर हो, प्लीज़ मैंने आपको अभी बता दिया कि अभी एडिंग क्लोज हो चुकी है एडिटिंग के थ्रू, तो आपको किसी से भी कॉन्टैक्ट नहीं करना है। कोई अगर आपको कहता है तो उसे पेमेंट नहीं करना है, अगर आप ऐसा करोगे तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होगे, मैं उसकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लूँगी। सो आप इस बात को ध्यान रखें कि एडिटिंग के थ्रू एडिंग अभी क्लोज हो चुकी है, तो आप कॉन्टैक्ट ना करें किसी से। अब जो मैं एडिंग करूँगी वो होगी सिर्फ सपोर्ट से एडिंग, अब मैं सिर्फ सपोर्ट से एडिंग करूँगी। एंड आपको अच्छे से पता होगा कि 31st को, जैसा कि मैंने बताया आपको, बिग बैंग शो होने वाला है, तो गेट रेडी फॉर दैट। मैं तो एक्साइटेड हुई गाइज, आप लोग भी एक्साइटेड हो जाओ, एक्साइटमेंट लाओ 31st के लिए आप लोग, क्योंकि उस दिन जो होने वाला है वो तो बस देखना ही है आप लोगों को कि क्या होता है उस दिन। इतनी बड़ी शो सिर्फ आप लोगों के हेल्प से ही ये मतलब पॉसिबल होगा, तो आपको उस दिन टाइमलाइन पे मतलब सबको आना है, फुल मेरी फुल पब्लिक, और जिन्हें ऐड होना है, जो कभी मेरे से ऐड नहीं हुए हैं, न्यू हैं, उन्हें भी आना है उस दिन, क्योंकि मैं उस दिन आँख बंद करके एडिंग करूँगी बिना म्यूचुअल बिना बायो। बट येस गाइज, मेरी थोड़ी सी ये दिक्कत है कि मैं मतलब थोड़ा सा कभी कभी बायो देख लेती हूँ, मतलब ये आप लोग कह सकते हो कि शायद ये मेरी मतलब जो भी हो, बट मैं बायो थोड़ा सा देखती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ छोटी सी बायो है अपडेट जरूर कर लेना चिकू फैमिली। एंड अभी तो फ़िलहाल आप लोग कोड लगा लो जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लें। बट देन ऑल्सो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, 31st January आप लोग कोड अपडेट कर लें एंड बायो अपडेट करके रखें, फिर तो आपकी 31st को एडिंग पक्की है, क्योंकि एडिंग मैं करूँगी और आपको अच्छे से पता है गाइस मैं कैसे एडिंग करती हूँ। मुझे बस बंदे की सपोर्ट दिखनी चाहिए थोड़ी सी, फिर मैं फटाक से एडिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मेरी पब्लिक मेरी फैमिली ना ऐसे रगड़ पिस करती रहे टाइम लाइन पर और मैं ऐड ना करूँ, सो मुझे ये पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं तुरंत एडिंग मतलब ऐड कर लेती हूँ जिसका मुझे सपोर्ट दिखता है। तो बिग बैंग शो के लिए 31st जो बिग बैंग शो होगा उसके लिए आप सब रेडी हो जाइए, एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट रखिए अपने अंदर, उस एक्साइटमेंट को लो मत होने दीजिएगा प्लीज। जितनी एक्साइटेड मैं हूं आपके लिए, आप भी अपने लिए उतना ही एक्साइटमेंट रखो, क्योंकि उस दिन जो शो होगा वो आप सबके लिए एक सरप्राइज है, आपको उसी दिन पता चलेगा कि उस दिन क्या होने वाला है, क्योंकि यू नो सरप्राइजेस आर मोर बेटर देन कि मैं आपको पहले बता दूं। सो अभी फ़िलहाल मैं आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो फ़िलहाल मैं आपको वो
रूल्स के बारे में बता देती हूँ। चीकू फैमिली की रूल्स कोई भी नहीं तोड़ सकता है, उसके अगेंस्ट किसी को भी नहीं जाना, चाहे वो कितना भी बड़ा VIP हो या वो कितना भी ओल्ड मेरा सपोर्टर हो जो मुझे सालों से सपोर्ट कर रहा है। जब आपकी दीदी आप लोगों से इतनी क्लोज नहीं थी तब से मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट चीकू फैमिली की रूल्स जो मैंने खुद बनाई है उसके अगेंस्ट मैं खुद नहीं जाती हूँ, तो मैं आशा करती हूँ कि इसके अगेंस्ट मेरी फैमिली भी ना जाए। तो फर्स्ट रूल ये होगा कि मेरी आईडी की मेंशन बैन होगी 1 से 4 बजे तक, जैसा आप सबको पता है, बट यही आप लोग मिस्टेक करते हो, 10 बजे से 5 बजे तक वॉचिंग होगी, पोस्ट की वॉचिंग 10 से 5 होगी, बट मेंशन बैन 1 से 4 होगी, जिसमें आपको सपोर्ट करना है बेस्ट में आने के लिए। और जो बंदे बेस्ट में आएंगे, गिफ्ट जो मैंने उनके लिए रखा है, जो मैंने पिछली वीडियो में सब बताया था, वो उनके लिए होगा, ठीक है। तो आप लोग तय कर लो कि आपको जस्ट यहाँ पे सपोर्टर बन के रहना है, कि वो जो मैंने गिफ्ट, जितने भारी भड़कम गिफ्ट्स आपके लिए लाए हैं उसके मज़े लेने हैं, उसे लूटने हैं, तो आप लोग इस खुद ही डिसाइड कर लो। फर्स्ट रूल आपको पता चल गया, मेंशन बैन के टाइम में किसी को भी मेंशन नहीं करना है। अगर उस बंदे ने मेंशन किया, बाय गॉड वो उसी टाइम ब्लॉक लिस्ट में जाएगा और उसकी पिक्चर भी हाइड हो जाएगी। अगर मुझे लगा कि ब्लॉक नहीं करना है, मैं अनफ्रेंड करके उसकी पिक्चर को हाइड कर दूंगी, जो दोबारा कभी नहीं निकलेगी। सो आई थिंक आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया है। देन रूल नंबर 2, अगर आप एडिटिंग के थ्रू से ऐड हुए, फिर भी आप ये गलत फहमी ना रखें कि आप अनफ्रेंड नहीं होंगे अगर आप चीकू फैमिली के रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि आपने मुझे आपकी चीकू फैमिली को आपने उस एडिटिंग के थ्रू जो ऐड हुए उससे आपने उसे खरीद नहीं लिया, ओन नहीं कर लिया है, आपको सपोर्ट करना होगा। आप अगर एडिटिंग के थ्रू से ऐड हुए हो तो आप 2 घंटे की सपोर्ट तो आपको करना ही होगा, दिन भर में 24 आवर्स में 2 आवर्स का सपोर्ट आपके लिए कंपलसरी होगा। बट एंड ऑल्सो कि आपको, आप कोई भी रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, जैसे कि आप बायो पे चीकू फैमिली आपको लगाना ही होगा एंड कोड वो आपको लगा के रखना ही होगा एंड 2 आवर्स का सपोर्ट जो एडिटिंग के थ्रू से ऐड हुए हो। देन अगेन रूल नंबर 3, जिस बंदे को कंपटीशन में नहीं रहना, मतलब जिसको जो मैंने भारी भड़कन गिफ्ट आपके लिए और मतलब बेनिफिट्स आपके लिए लाई हूँ, वो जिसे नहीं चाहिए, जिसे सिर्फ ऐड रहना है मेरे पास आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ जिसको ऐड रहना है, वो उसको भी 2 घंटे का सपोर्ट करना ही होगा। बिना 2 घंटे के सपोर्ट के चीकू फैमिली में आपके लिए कोई जगह नहीं है गाइज। सो 2 आवर्स का सपोर्ट इज़ कंपल्सरी फॉर यू ऑल। रूल नंबर 4, जब सिंगल टैग के लिए बोला जाता है उस टाइम, या तो कभी भी जिसने भी मेरे साथ किसी और किंग क्वीन का टैग किया, मतलब वो लिख के जो आप लोग पोस्ट करते हो उसमें सिंगल टैग में अगर किसी और का नाम लगाया तो आप लोग जाओगे ब्लॉक लिस्ट में। ये काम आपको नहीं करना है, मतलब आपको मेरे नाम के साथ किसी और का नाम लिख के पोस्ट पे नहीं लगाना है। आप अपनी पिक्चर पे लगा सकते हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख के जो आप पोस्ट करते हो उस पे मेरे नाम के साथ किसी और का नाम आप नहीं लगा सकते हो। बी केयरफुल अबाउट इट। देन रूल नंबर 4 वो ये है कि जिसने भी मुझे मिक्स ग्रुप में ऐड किया है प्लीज़ मुझे रिमूव कर दें, या तो आप अन्य रिस्पेक्टेड किंग क्वींस को रिमूव कर दें, या फिर आप मुझे कर दें। ये थी रूल नंबर 4। ये रूल्स थी जो आपको फॉलो करनी होगी अगर आप चीकू फैमिली के मेंबर हो। 1 से 4 आप मेंशन नहीं कर सकते हो, ये फिक्स्ड है। मिक्स्ड आप टैग नहीं लगा सकते हो लिख के पोस्ट में, मिक्स मुझे ग्रुप में मत रखिए। एंड जो एडिटिंग के थ्रू से ऐड हुए उन्हें भी 2 आवर्स का सपोर्ट करना होगा एंड बायो कोड वगैरह अपडेट रखनी होगी, और जो जिन्हें बेनिफिट्स और गिफ्ट्स नहीं चाहिए, वो सिर्फ मेरी आईडी में ऐड रहना चाहते हैं, अपनी ज्योति दी के साथ ऐड रहना चाहते हैं, तो उन्हें भी ये सपोर्ट और बायो कोड लगाना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट रूल वो ये है कि अब से नेम सिर्फ उसी का आएगा बेस्ट में,
जिनका सिंगल बायो चीकू फैमिली होगा। मिक्स्ड बायो वाले भाई आप चाहे जितनी सपोर्ट कर लो, मैं नाम नहीं डालूंगी आपका, क्योंकि आप तो ऐसे हो ना कि आपको यहाँ भी मिठाई चाहिए, आपको उनके पास भी मिठाई चाहिए, आपको उनके पास भी मिठाई चाहिए। तो भाई जिनके पास आपको उधर चाहिए ना, वो दोनों साइड से आप मिठाई लो, मेरे तरफ से तो नहीं मिल सकती है। मेरे तरफ से आपको बेस्ट में नाम नहीं मिल सकता है, भले आप चाहे जितने अच्छे सपोर्टर हो। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप चीकू के कट्टर सपोर्टर हो तो आपका सिंगल बायो होना चाहिए, तभी आपका बेस्ट में नाम आएगा, वरना आपका नाम सॉरी नहीं आएगा। एंड अब से मैं कुछ रूल्स न्यू बता रही हूँ आपको, वो ये होंगे कि कभी कभी प्रमोशन मैं उनकी भी करूँगी जो मेरी डीपी पे अनाप शनाप कमेंट करते रहते हैं। उनको तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के वजह से ही अभी ऑलमोस्ट राउंड टू 2 मिलियन कमेंट होने को है। सो थैंक यू टू देम। तो अभी मैं अब से मैं उनकी भी प्रमोशन करूँगी जो मेरी डीपी पे कमेंट्स करते हैं। एंड प्रमोशन मैं अब उनकी भी करूँगी जिन्हें किसी काम वश 1 से 4 10 से 5 इन वक्तों में टाइम नहीं मिलता है, वो रात को सपोर्ट करते हैं या सुबह सुबह सपोर्ट करते हैं, इन सब वक्तों में जो मतलब दिन भर टाइमलाइन पे दिखते हैं थोड़े थोड़े करके, कभी कभी मैं मतलब वीक में 2 बार प्रमोशन मैं उनकी भी करूँगी। सो गाइज आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने सारी रूल्स बता दिए, आपको समझ में आ गया होगा कि चीकू फैमिली में रहने के लिए आपको कितनी छोटी सी रूल को फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपको ढेर सारा बेनिफिट, नेम फेम, मतलब ये तो इंग्लिश वर्ड्स हो गए, हिंदी में शोहरत यस आपको सब मिलेगा यहाँ पे। आपकी दीदी मतलब आई मीन आपकी फैमिली में, आपकी दीदी की नहीं आपकी फैमिली, ये चीकू फैमिली आपकी फैमिली है। तो आई थिंक आई हैव एंडेड ऑल द टॉपिक्स। अगेन आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि 31st को बिग बैंग शो है, आपकी ज्योति दी की आईडी रिफ्रेश है, फुल आईडी रिफ्रेश, तो आपको उस दिन टाइमलाइन पे जम के रहना है। एंड टाइमलाइन ओपन होते ही उस दिन 40 से 45 मिनट तक किसी को भी मेंशन नहीं करना है, नहीं तो उसी दिन जो ऐड हो गए उसी दिन मैं उनको ब्लॉक लिस्ट में डालूंगी। जो उस दिन ऐड होंगे अगर मेंशन किया 40 से 45 मिनट तक, तो मैं उसी दिन उनको ब्लॉक करूंगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि उस दिन आपको मेंशन नहीं करना है जब तक मैं बायो पे ना कह दूं। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ माय फैमिली मेंबर्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनती करती हूं कि आप लोग बायो पे फोकस किया मतलब करना उस दिन आपको बायो पे फोकस करना होगा एंड प्लस स्टोरी पे, ठीक है। बाकी डेज के लिए आप लोग ये मत समझना कि मैं बायो नहीं बदल रही हूँ, बाकी डेज मैं रिफ्रेश वाले दिन की बात नहीं कर रही, रिफ्रेश वाले दिन आपको पूरा पूरा अटेंशन देना पड़ेगा बायो पे, मैं बाकी डेज की बात कर रही हूँ। कि अगर आपको लगेगा कि दीदी बायो नहीं चेंज कर रही, मतलब दीदी एक्टिव नहीं है, सॉरी इट्स योर मिस्टेक, मैं बायो नहीं चेंज कर रही इसका मतलब भी मैं एक्टिव हूँ, मैं आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रख रही हूँ, तो आपको इस गलत फैमिली में नहीं रहना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था बायो हर 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जब मेरा मन करेगा तब मैं चेंज करूंगी, बट आपको टाइमलाइन पे रहना है, क्योंकि आपको वो गिफ्ट चाहिए, वो बेनिफिट्स चाहिए, आपको नेम चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको फॉलोवर्स चाहिए, आपको लाइक्स चाहिए, इतना सब, तो उसके लिए आपको टाइमलाइन पे रहना पड़ेगा। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, आई हैव टोल्ड यू अबाउट 31st। सो जैसे मतलब अभी किसी की भी आईडी से जो मेरे ग्रुप्स की आईडी है, किसी की भी आईडी से मेरे टाइमलाइन पे एक पोस्टर अपलोड होगी, उस पोस्टर को आप लोगों को शेयर करना है। आप भले स्टोरी के थ्रू से पोस्ट करो, आप भले उसको पोस्ट करो अपनी आईडी से, या उसको ग्रुप्स में फॉरवर्ड करो वगैरह वगैरह का, आपको जैसे उसको फॉरवर्ड करना है, लेकिन उसको इतना फैलाना है गाइस कि आपकी चीकू फैमिली का 31st को ना, जैसे बोला जाता है ना, डंका बजना चाहिए कि हाँ आज चीकू फैमिली का रिफ्रेश है, तो आपको ऐसे पोस्टर को फॉरवर्ड करना है हर जगह पे, उसको ऐसे फैलाना है कि सबको एक एक फेसबुक पे हर बच्चे को पता चलना चाहिए कि आज चीकू फैमिली का रिफ्रेश है, और वो हर इंसान यहाँ पे आए और मतलब सपोर्ट करे, अपनी चीकू फैमिली को बढ़ाए। सो आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, एंड रिमेंबर अबाउट 31st January। थैंक यू, लव यू ऑल, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।